हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद द बिहेवियर एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का वह शाखा है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बताता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन किसको कहते हैं। इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम बिकम फ्री एट रूम टेम्परेचर। क्या है, कुछ मेटल्स में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। हाउ एवर दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लीव द सर्फेस ऑफ द मेटल्स। मगर फ्री तो हो जाते हैं परंतु ये जो है मेटल के सर्फेस को छोड़ नहीं पाते हैं। फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द मेटल सर्फेस एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर मेटल सर्फेस से हटना है तो इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होना चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एमिशन कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। आपका जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो आपके जो फॉलोइंग मेथड्स है उसके द्वारा हम लोग अचीव कर सकते हैं। पहला है आपका थर्मायनिक एमिशन, मतलब कि बाय हीटिंग द मेटल। मतलब कि मेटल को हम हीट करेंगे तो हम लोग थर्मायनिक एमिशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है, मेटल सरफेस जो होता है उसको हम लोग लाइट देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। कुछ सूटेबल फ्रिक्वेंसी का हम लोग उस लाइट को, उस मेटल को एलिमिनेट करते हैं, लाइट देते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो आपका एमिट करता है और उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन एमिशन है। जब क्या होता है कि जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट किया जाता है मेटल सरफेस पे, तब इस तरह का आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद है फील्ड और कोल्ड एमिशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेटल सर्फेस। मतलब कि मेटल के अक्रॉस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है, उसको हम लोग फील्ड या कोल्ड एमिशन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डायोड बल्ब क्या होता है। तो डायोड बल्ब जो था आपका जे फ्लेमिंग के द्वारा डिज़ाइन किया गया था 1904 में। डायोड बल्ब एक्चुअली में दो इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है, ठीक है, इनसाइड एंड इवैक्यूएटेड ग्लास एनवलप। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं जो कि टंगस्टन का बना होता है और उसके ऊपर थिन लेयर का कोटिंग होता है जो कि बेरियम ऑक्साइड का होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हीट किया जाता है तो कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किस तरफ जाता है, तो वो फ्लो करता है दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ और उस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड प्लेट जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में प्रोड्यूस हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड आर कलेक्टेड इन द इवैक्यूएटेड स्पेस अराउंड इट। जो इलेक्ट्रॉन जो आपका निकल रहा था कैथोड से वो आपका एक जगह पे आपको कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्शन को हम लोग स्पेस चार्ज कह सकते हैं और वो ऑब्वियसली कौन सा चार्ज होता है, वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो डायोड होता है वो एक तरह से रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज। मतलब कि रेक्टिफायर एक तरह का आपका डिवाइस है जो आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ट्रायड बल्ब क्या है। तो ट्रायड बल्ब जो था वो आपका डिज़ाइन किया गया था ली डी फॉरेस्ट के द्वारा 1907 में। ट्रायड बल्ब जो है आपका डायोड बल्ब का ही मॉडिफाइड वर्सन है। इसमें क्या होता है, एनोड और कैथोड तो होता ही है, साथ में एक और इलेक्ट्रोड होता है जिसको कंट्रोल ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ट्रायड बल्ब कैन बी यूज्ड एज, जो ट्रायड बल्ब है आपका एम्पलीफायर की तरह, ऑसिलेटर की तरह, ट्रांसमीटर की तरह और डिटेक्टर की तरह यूज हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं सेमी कंडक्टर क्या है। सेमी कंडक्टर वैसा मटेरियल है जिसका कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता है। जर्मेनियम और जो सिलिकन है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है। अब क्या होता है, कुछ सेमीकंडक्टर में देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, तो बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा था उन लोगों के बीच में उससे वो फ्री हो गया। अब क्या हो गया कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया। अब इसलिए जब डिफिशियंसी हुआ तो वहाँ पे एक वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज का निर्माण होता है और उसी वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज को हम लोग होल्स कह सकते हैं।
आज सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूज़ अधिकतर कहाँ होता है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला होता है इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। तो पहला देख लेते हैं हम लोग इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को। अ सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म, वैसा सेमीकंडक्टर जो पूरे पूरी प्योर फॉर्म में हो उसको इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, जब जो आपका प्योर जो आपका था इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, अगर उसको हम लोग डोप कर दे रहे हैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिला के, तो वो आपका किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, आपका एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर में चेंज हो जा रहा है। उसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डोपिंग देयर इज़ अ लार्ज इंक्रीज इन इट्स कंडक्टिविटी। और जब डोपिंग हो जाता है या इम्प्योरिटी जब उसमें ऐड हो जाता है, तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो टाइप का होता है। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहला हम लोग एन टाइप देख लेते हैं। एन एक्सट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी इन चार्ज, मतलब कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका बहुमूल्य है, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होता है आपका, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जा सकता है। सच अ सेमीकंडक्टर इज़ मेड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, मतलब कि इस तरह का सेमीकंडक्टर आखिर बनता कैसे है, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग डोप करते हैं किस चीज़ से, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो कौन कौन सा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ है, तो पहला है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस। इस तरह से हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर निर्माण करते हैं। उसके बाद है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। एन एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर इन विच होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जहाँ पे आपका होल्स जो है आपका मेजोरिटी में रहेगा, उसको हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है कैसे बनता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग डोप करते हैं अभी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन से हैं, तो गैलियम, इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम, इससे हम लोग डोप करते हैं और हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब कि मिलता है, ठीक है। अब डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, तो डोपिंग इज़ द एडिंग ऑफ केमिकल इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब कि अगर हम लोग कोई केमिकल इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग मिला रहे हैं तो वो हो जाएगा डोपिंग। उसके बाद लेकिन जो डोपिंग होना चाहिए वो आपका कंट्रोल्ड फेज में होना चाहिए। और डोनर किसको कहते हैं, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड डोनर। मतलब कि जो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हम लोगों ने ऊपर देखा, एंटीमनी था, ये सब जो था वो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ है, तो उनको हम लोग डोनर कहेंगे। एक्सेप्टर किसको कहेंगे, तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ जो आपका ऊपर में दिखाया था मैंने, यहाँ देख लीजिए आपका ट्राईवेलेंट में हो जाएगा गैलियम, इंडियम, बोरोन और एल्यूमिनियम, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और आपका पेंटावेलेंट था आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस, ठीक है। तो एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्टर है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज अकॉल एक्सेप्टर, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सेमी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अभी हम लोगों ने आगे देखा था कि रेक्टिफायर क्या है, एक डिवाइस है जो आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या कर रहा है, करंट को कर रहा है, लेकिन आपका जो फेज है वो सेम है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब कि वैसा साइंस जो छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताता है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।